मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर एक बार फिर से खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने जो लूट से धन एकत्रित किया है उससे प्रदेश में तोल मोल की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने दलित समाज के लिए कुछ नहीं किया। अब दलित और आदिवासियों के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस का दल जाएगा। साथ ही दिग्विजय सिंह ने विधायकों के पाला बदलने पर कहा कि कांग्रेस से बिकाऊ जा चुके हैं और टिकाऊ मौजूद हैं। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने गुजरात चुनाव पर कहा कि केजरीवाल और ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। दलित कौन सा हित किया, इस देश के करोड़ों दलितों का कौन सा हित किया राष्ट्रपति जी ने, हम जानना चाहते हैं। आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमें इस बात का गर्व है कि वे राष्ट्रपति हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो आदिवासियों के पर प्रताड़ना मध्य प्रदेश में हो रही है उस पर वो बोले तो, ना बोले तो हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिल ले। पन्ना में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर बीडी शर्मा के खास हम खास, उन्होंने आदिवासी की जमीन पे कब्जा कर रखा है। एक आदिवासी के से जमीन खरीदी 90 लाख में, और 90 लाख मिलने के बाद उस आदिवासी के घर में गया, उसके घर की का मैंने फोटो मेरे फोन में है, आपको मैं दिखा दूंगा। मैंने उसका घर पे गया तो ताला लगा हुआ था, और उसके भाई से पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ गया, तो उनका साहब चैत काटने गया है। जिसको 90 लाख का पेमेंट हुआ हो, क्या वो चैत काटने जाएगा, क्या कच्चे घर में रहेगा? जब भी पन्ना में जाता हूं तो उसको वो गायब कर देते हैं। इसी प्रकार एक टीकमगढ़ में भी इसी बात की घटना हुई है। आदिवासी के नाम से जमीन खरीद के उन्होंने खुद ने कब्जा कर लिया। इस देश प्रदेश में पैसा का कानून जो आदिवासियों के हित में है उसको लागू क्यों नहीं करते, और छापे के डर से लोगों को सताया जा रहा है, वसूली की जा रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि आप भाजपा के खिलाफ हैं तो आप पर छापा डलेगा, और डल गया, आपका केस बन गया और आप भाजपा में आ गए, 7 खून माफ, ये चलेगा नहीं। इन सब बातों से सोचकर कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर चिंतन शिविर में भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प लिया, और 7 सितंबर से ये यात्रा चल रही है। लगभग 1850 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और लगभग 3600 किलोमीटर हम लोग चलेंगे, श्रीनगर तक हम लोग जाएंगे। मैं सभी मध्य प्रदेश के लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि ये मध्य प्रदेश की गरिमा प्रतिष्ठा का सवाल है, हम सभी को मिलकर इसे सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री के रूप में, मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहीं कहीं परेशान नहीं होने दिया। पूरी वर्किंग कमेटी जब भाजपा की आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी अडवाणी जी के साथ, उनके लिए भोजन की व्यवस्था मैंने खुद ने करी थी, उनको इनवाइट किया था, मैंने भोजन दिया था। आपके कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे, मैं मुख्यमंत्री था, एक एक काम इंदौर का जो उन्होंने बताया वो मैंने किया।
मेरे कांग्रेस के लोग मुझसे इस बात के लिए नाराज भी होते थे कि आप क्यों करते हो, लेकिन कुर्सी जो होती है, कुर्सी में पहुंचने के बाद शपथ होती है कि मैं निष्पक्षता से काम करूंगा।